हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रुति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट स्पेस। आज हम बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में, जिसको कुछ लोग गुड लक प्लांट भी कहते हैं। तो ये प्लांट बहुत टाइम से इसी पॉट में लगा हुआ था और पहले हमने इसकी प्रूनिंग की थी, लेकिन इस बार हमने इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं की। तो फरवरी मार्च से आप प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये ग्रोथ नहीं करता है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तो इनका ग्रोइंग सीजन शुरू होता है स्प्रिंग सीजन से। और देखिए, रूट बाउंड भी इसमें हो चुका है, रूट्स इसमें बाहर आ चुकी हैं ड्रेनेज होल से। और आप चाहें तो इसको रिपॉट भी अभी कर सकते हैं। ये जो सेरेमिक पॉट है, ये मैंने 2018 में लिया था। ये प्लांट 2018 में नहीं लगाया था, लेकिन ये पॉट मैंने 2018 में लिया था। तो 6 साल इसको भी हो गए हैं, काफ़ी पुराना है लेकिन अभी भी नया सा लगता है। तो ये जो प्लांट है, ये मैंने कटिंग से ही इस पॉट में ग्रो किया था और तब से मैंने इसको रिपॉट नहीं किया और ऐसे ही ये लगा हुआ है। लगभग 2-3 साल तो हो ही चुके होंगे। वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से प्लांट की प्रूनिंग नहीं की थी, तो सोचा अभी इसको प्रून कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि जेड प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी मौसम में, सर्दियों को छोड़कर, कभी भी इसको प्रून कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए, वहीं से इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। सर्दियों में पत्तियाँ पीली होकर झड़ जाती हैं, लगभग सितंबर के बाद से इनकी जो पत्तियाँ हैं पीली होकर झड़नी शुरू हो जाएंगी और फिर इसमें न्यू ग्रोथ होगी लगभग स्प्रिंग सीजन से। फरवरी मार्च के बाद से इसमें न्यू ग्रोथ हो जाती है और हेल्दी लीव्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अभी हमें इसको कोई स्पेशल शेप नहीं देनी है। आप चाहें तो इसकी टोपियरी भी बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में इसको तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको एक सिंपल शेप में रखना है, एक ग्लोब जैसा शेप हमें इसको देना है। तो इसके ही लिए हम इसमें हल्की हल्की इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। हर शूट को कट करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ आप इसकी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे, वहीं वहीं से इसमें और अच्छी शूट्स आएंगी और हेल्दी लीव्स बनेंगी। जेड प्लांट की रिपॉटिंग का एक फ़ायदा होता है, जैसे काफ़ी टाइम तक एक ही पॉट में अगर प्लांट लगा रहता है तो इसकी पत्तियाँ थोड़ी पतली हो जाती हैं और छोटी भी हो जाती हैं। तो अगर आप चाहें, आपका प्लांट इस तरह से हो रहा है, कंडीशन अच्छी नहीं है, उसको रिपॉट कर सकते हैं। जेड प्लांट एक हार्डी प्लांट है, ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है और बिना केयर के ग्रोथ कर जाता है। तो अगर आपको ऐसे प्लांट्स चाहिए जिसमें केयर ना करनी पड़े, तो उसके लिए ये प्लांट बहुत अच्छा है। अभी देखिए, बहुत टाइम से इसी पॉट में है और ग्रोथ आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी है, और स्टेम भी काफ़ी हेल्दी हो गया है। तो कटिंग की हमने इसकी शेप ऐसी कर दी कि अब ये आगे जो ग्रोथ करेगा तो वो ग्लोब जैसी शेप इसकी बन जाएगी, थोड़ा गोल शेप बन जाएगी। और देखिए, इस तरह से भी आप इनकी टहनियों को एक जगह से दूसरी जगह जैसा आपको शेप इसकी सेट करनी है वैसे बना सकते हैं। किसी वायर की हेल्प से आप इसको किसी भी तरह का आकार दे सकते हैं। तो इसमें जो ये इसकी टहनियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा लचीली होती हैं, तो ये बहुत आराम से सेट हो जाती हैं। अब इनकी कटिंग्स जो हैं, इनको भी आप ग्रो कर सकते हैं, नए नए पौधे बना सकते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी और मोटी कटिंग भी इसकी ग्रोथ कर जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं है आज कटिंग की है तो आज ही इसको ग्रो करना है, कुछ दिन रखा रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये एक हार्डी प्लांट है और ये प्लांट बिल्कुल भी टेंशन नहीं देता, चाहे कटिंग्स ग्रो करनी है, चाहे इसको केयर करनी है, चाहे इसको पानी देना है, नहीं देना है, खाद देना है, नहीं देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ऐसी जगह रखें, बिल्कुल छाया में ना रखें। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, हमने इसको इंडोर रखा हुआ है। इंडोर ग्रोथ नहीं करेगा। अगर ऐसी जगह आपने रखा है जहां इसको 2 घंटे की भी अगर ब्राइट लाइट मिल जाती है, और डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट के बिना ये ग्रोथ कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना डायरेक्ट सनलाइट के ये अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 घंटे की धूप ज़रूर मिल जाए, और ब्राइट लाइट प्लांट को बहुत पसंद है, इसमें ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। बहुत ज़्यादा पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक हार्डी प्लांट है, लेकिन इतना भी ना हो कि मिट्टी में नमी बनी ही रहे, तो ये फिर गलने लगता है। और इस तरह से इसकी कटिंग्स आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए, कैसी भी मिट्टी है, कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, कैसी भी मिट्टी लगा दीजिए आप, इसमें ये ग्रोथ कर जाएगा। आप देखिए, ये एक पॉट रखा हुआ था, इसमें एक तुलसी जी का पौधा अपने आप ग्रो हो गया था, तो इसमें हमने ये सारी कटिंग्स लगा दी हैं। इनको इकट्ठा करके आप किसी भी पॉट में मिट्टी में कवर कर दीजिए, ये वहीं से इसमें रूट्स बन जाएंगी। तो इस तरह से एक हार्डी प्लांट है। तो आज इसकी कटिंग करनी थी तो सोचा आपसे शेयर कर दें। अभी इसके और भी प्लांट्स हमारे पास हैं जिनको हमने कटिंग से ग्रो किया था, और वो पॉली बैग में लगे हुए हैं, तो जल्दी ही उनको पॉट में शिफ्ट करेंगे और क्या करना है वो भी आपको बताएंगे उसमें, क्योंकि वो प्लांट्स मैंने इसलिए कटिंग से तैयार किए थे काफ़ी टाइम पहले, आपको दिखाए भी थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी। उनसे कुछ बनाएंगे लेकिन बना ही नहीं पाए, तो सोच रहे हैं इस बार उनका कुछ करते हैं, तो आगे आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगी। और देखिए, तुलसी जी कितनी सुंदर और हरी भरी इसमें अपने आप ग्रोथ कर गई हैं पॉट में। तो ये थी हमारी आज जेड प्लांट की वीडियो। कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।